नमस्कार। 40 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाले बिहार में चारों चुनावी फेज में अब तक कुल 19 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 21 सीटें अभी भी बाकी हैं और अगले 3 फेज में इन सभी पर चुनाव पूरे हो जाएंगे। 5th फेज की वोटिंग 20 मई को होनी है, जिसमें 5 सीटों पर वोटिंग होगी। एनडीए अलायंस के लिए चुनाव के पहले भी कहा जा रहा था कि यहां विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी को परेशान कर सकता है। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी एक साथ चुनावी ताल ठोक रहे हैं और दावा यह किया जा रहा है कि गठबंधन आसानी से बीजेपी और एनडीए को बिहार की धूल चटा सकती है। लेकिन अगर पिछले 4 चरणों के चुनावी प्रचार का पैटर्न देखें तो काफी हद तक ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में एनडीए का मुकाबला अकेले आरजेडी नेता और फॉर्मर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। लेकिन कैसे, चलिए समझते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। 4 चरणों की वोटिंग के दौरान तेजस्वी ने कई बड़ी जनसभाओं में शिरकत की और बीजेपी के खिलाफ खुलकर हमला बोला। इतना ही नहीं, चुनाव से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार के एनडीए में जाने तक का उन्होंने मुद्दा भी उठाया। आपको बता दूं कि तेजस्वी की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा रही है, जो कि बिहार के 2020 के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिली थी। लेकिन उन्हें अपने अलायंस से कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता दिख रहा है, जो कि इंडी अलायंस के लिहाज से सबसे ज्यादा निराशाजनक हो सकता है। आपको मालूम ही होगा कि बिहार में आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 सीटों पर चुनावी मैदान में। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि गठबंधन राज्य में 40 की 40 सीटों पर जीत हासिल करेगा, लेकिन कहीं पार्टी का यह जोश कागजी तो नहीं। चुनाव प्रचार की शुरुआत के दौरान कांग्रेस ने 40 स्टार कैंपेनर्स का नाम डिक्लेयर कर खूब हवा बनाने की कोशिश की थी। इसमें सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक का नाम था। इतना ही नहीं, बिहार से आने वाले बड़े चेहरे यानी कि कन्हैया कुमार और मीरा कुमार भी इस लिस्ट में थे। लेकिन सिर्फ ये नाम ही रह गए, क्योंकि खुद राहुल गांधी तक बिहार में तेजस्वी के साथ बहुत कम नजर आए थे। मजेदार बात यह है कि इन दो कैंपेनर्स ने भी बस उतना ही प्रचार किया जो कि उंगलियों पर गिना जा सकता था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भागलपुर सीट पर प्रचार करने आए। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। हैरानी की बात यह है कि ना तो प्रियंका गांधी और ना ही सोनिया गांधी बिहार के चुनावी रण में प्रचार करने उतरी हैं। अभी समझे कि इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, कन्हैया कुमार जो कि बिहार के हैं, लेकिन कांग्रेस से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में चुनावी मैदान पर उतरने की पहल की है। कन्हैया का मुकाबला बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी से है, जो कि खुद अपनी बिहारी पहचान को वोटों में इनकैश करने की कोशिश करते रहे। ऐसे में कन्हैया के लिए बिहार आना फिलहाल तो मुश्किल दिख रहा है। इसी तरह राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी रायबरेली सीट पर चुनावी माहौल बना रही है और वह भी सिर्फ रायबरेली सीट पर बनकर रह गई है। कुछ ऐसा ही जो हाल है वो राहुल गांधी का भी है। आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान सत्ता में ना आने के बावजूद विपक्षी गठबंधन में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला था और बहुमत से कुछ ही सीटें वो पीछे रह गए थे। लेकिन उस समय इसका क्रेडिट आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुमत पर नहीं पहुंच पाने का ठीकरा कांग्रेस के सर पर फूटा था, क्योंकि कांग्रेस ने 70 में से 19 सीटें ही जीती थी। ये भी कहा जा रहा था कि अगर तेजस्वी कांग्रेस को कम सीटें देते तो उम्मीद थी कि 110 सीटों पर पहुंचने वाला जो गठबंधन है उसको आसानी से बहुमत मिल सकता था। लेकिन कांग्रेस की खराब विनिंग स्ट्राइक रेट ने गठबंधन को नाकामी की तरफ धकेल दिया। खैर, आमतौर पर यह भी देखा गया है कि जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई होती है, वहां बीजेपी को ज्यादा फायदा होता है। कांग्रेस नेताओं के भाषणों को मुद्दा बनाकर बीजेपी आसानी से विपक्ष पर प्रेशर डालने में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा। ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि तेजस्वी खुद नहीं चाहते कि राहुल गांधी किसी तरह का कोई चुनाव प्रचार करे, ताकि बीजेपी को कोई आसान टारगेट मिल पाए। ऐसे में तेजस्वी यादव का अकेले ही पूरा प्रचार करना है, ये बताता है कि वो कांग्रेस पर कुछ खास विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के चलते पिछले कई चुनावों में बिहार में पूरे विपक्ष को खामियाजा भुगतना पड़ा था। अब इसके चुनावी परिणाम क्या होंगे तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।